हेलो दोस्तों, मैं हूँ रंजन थलवाई। आज मैं बनाने जा रहा हूँ इस तपती गर्मी के मौसम में एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल लस्सी। ये हमारा मुंगेर का प्रोडक्ट है, आशीर्वाद कंपनी का लस्सी दही ITC का। सो एक केजी हमारा दही है बाज़ार का, घर का जमा नहीं है इसलिए बाज़ार का भी दही से बना के दिखा रहे हैं आपको। बहुत बेहतरीन और लाजवाब स्वाद के साथ बनेगा ये। तो चलिए ये विधि शुरू करते हैं हम। तो इस रेसिपी के लिए हम सबसे पहले लिए 1 किलो दही। दही को एक बर्तन में हम ढाल लेंगे इस तरह से, इस तरह से। आपको लग रहा है दही में बर्फ़ जमा हुआ इसीलिए ऐसा है, इस सब के लिए आप परेशान मत होइए कि क्या चीज़ ले लिया। ये है, ये हमारा दही है। इसको अच्छी तरीके से गार लेंगे, बहुत आसान तरीके से ये लस्सी बनेगा। तो इसमें हम इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा 100 ग्राम के अंदाज 100 से 150 ग्राम मिल्क, जो दूध है घर का, गाय का दूध हो या भैंस का दूध हो। ये हमारा 100 ग्राम 1/4 गिलास दूध है, इसको दूध इस्तेमाल कर लें। इसमें हम बर्फ़ इस्तेमाल नहीं करेंगे इसलिए हमारा दही एकदम ठंडा और जमा हुआ है बर्फ़ का, इसीलिए इसमें हम 1 केजी 200 ग्राम चीनी इस्तेमाल कर रहे हैं। आप पिसा हुआ चीनी दीजिएगा तो बहुत जल्दी चीनी गलने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन हम साबुत चीनी दे रहे हैं, जिसको मथेंगे तो दोनों अटैच हो जाएगा साथ में, इसलिए 200 ग्राम हम चीनी डाल रहे हैं इस तरह से। चीनी मोटा महीन कोई भी दे सकते हैं, पीस के दीजिएगा तो सुविधा यही हो कि आसान से बहुत जल्दी गल जाएगा। इसलिए अब इसमें थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे एसेंस के लिए वेनीला। देखिए हमारा ये वेनीला एसेंस है, ये मात्रा में इतना नहीं देंगे, मात्रा क्वांटिटी क्या देंगे हम आपको बता देंगे। इसको हम खोल लेते हैं। चलिए अब देखिए वेनीला की क्वांटिटी है, आपको ज़्यादा टेस्ट स्वाद चाहिए तो इससे ज़्यादा दे सकते हैं। हम खाने वाला चम्मच से 1/4 चम्मच, पूरा फुल चम्मच नहीं, इसमें डाल दिए हैं। अब इसको हम एक घोटनी से इसको घोटेंगे हम, जो हमारा लस्सी तैयार होगा। या आप किसी भी घोटनी से घोट सकते हैं, इलेक्ट्रिक घोटनी से भी हम, जो हमारा जो दुकानदार लोग बनाता है लस्सी, लकड़ी का उधर घोटनी है, हम इससे घोट रहे हैं। देखिए इस तरह से हम लेकर के इसको थोड़ा सा, ये दही जो है जमा हुआ है उसको थोड़ा सा पिघलने में समय लगेगा, इसीलिए बहुत बढ़िया से इसको लमसम 3 से 4 मिनट तक घोटेंगे हम, जो हमारा चीनी भी गल जाए और दही का जो ढीलापन है वो भी ख़त्म हो जाए, चिकना हो जाएगा। कंप्लीट तैयार होगा तो हम दिखाएंगे इस तरह से हमको घोटना। अगर थोड़ा टाइट होता है तो इसमें आप आइस भी यूज कर सकते हैं या ठंडा पानी भी यूज कर सकते हैं। अगर वो नहीं पसंद करते हैं तो सबसे आसान है कि इसमें आप दूध इस्तेमाल कीजिए, इसलिए हम दूध दिखाएं आपको पहले। और गाढ़ा है थोड़ा तो और थोड़ा दूध डालने से आप लोग सोचिए कि पतला हो जाता है, पतला नहीं होता है। दूध डालने से थोड़ा मीठा और जो दही का खट्टापन होता है वो कम होता है और बेहतरीन स्वाद लाता है मिल्क डालने के, इसीलिए इसमें हम थोड़ा सा मिल्क और डालेंगे। मिल्क, ये मिल्क मलाई लस्सी बन तैयार होगा। सर्व करने समय हम बहुत सुंदर लगेगा दिखने में, हम इसलिए 1/2 गिलास दूध इसमें और इस्तेमाल कर रहे हैं। टोटल 250 ग्राम दोनों दूध मिला के हो गया है। अब इसको हम फेंटेंगे, अच्छा 5 से 7 मिनट इसको हम फेंटेंगे इस तरह से। अब इसको कुल्हड़ में सर्व करेंगे तो ये कुल्हड़ लस्सी भी हो जाएगा, लेकिन हम शीशा के गिलास में, जो इसको चीनी लस्सी के नाम से कहिए, जिस चीज़ें परोसिए उसका नाम आ जाता है, यह तो आखिर दही का ही है। देखिए दूध डालने से पतला नहीं हुआ है, इसीलिए आराम से इसको हम ये हमारा फेटा हुआ लस्सी तैयार हो गया। अब इसको सर्व करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सर्व करने के लिए क्या क्या सामग्री लेंगे हम, 4 से 5 गिलास लेंगे इस तरह से। देखिए हमारा मलाई लस्सी तैयार होगा। अब इसको सर्व करने के लिए हम तैयार करने जा रहे हैं, इस तरह से गिलास में ढालेंगे हम।
अब इसका डिग्रेड करने का बारी आया, इसको क्या क्या चीज़ से डिग्रेड करेंगे, इसको शुरू करते हैं हम डिग्रेड करने के लिए। इसमें सबसे पहले हम थोड़ा सा मलाई इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा ये मलाई लस्सी तैयार हो गया। ये दही का पहले से मलाई इस्तेमाल करके निकाल के रख चुके थे एक एक चम्मच। ये मलाई हम इस तरह से डालेंगे। आप मलाई पसंद नहीं करते तो प्लेन लस्सी भी पी सकते हैं। इस तरह से हम मलाई इस्तेमाल करेंगे। इसमें सबसे पहले मलाई का नंबर आया, अच्छे तरीके से मलाई दे दिए हम। इसमें थोड़ा सा हम किशमिश इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करेंगे, कुतरा हुआ बादाम और पिस्ता। थोड़ा सा हम इसे बादाम कटिंग किया हुआ हवाई ये इस्तेमाल करेंगे, इस तरह से जो देखने में सुंदर लगे। इस तरह से बादाम है। आप चाहे तो इसमें केसर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए हम केसर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप केसरिया लस्सी बनाना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा दूध में पहले से भिगो के डाल सकते हैं। बस सेम फंक्शन है, उसमें खाली केसर इस्तेमाल हो जाएगा तो केसरिया लस्सी हो जाएगा, उसमें वेनीला इस्तेमाल नहीं करना है। अब बादाम देने के बाद दो दो पीस ये ग्रीन पिस्ता हमारा कटा हुआ है वो डाल देंगे। ये हमारा तैयार हो गया है। अब इसमें आप जो सोचते हो कि दुकानदार और लाल लाल देता है क्या, वो लाल वाला भी चीज़ देंगे हम। ये लाल लाल जो देखते हैं रोज रुआबजा, वो रुआबजा भी दे रहे हैं हमारा। अब इसमें रेड रेड रुआबजा इस्तेमाल करेंगे हम, जो घर बना के रखे हैं। देखिए इस तरह से, इस तरह से देखने में डालने से थोड़ा सा दो दो बूंद डालना है, खूबसूरत लगता है लाल हरा पीला। ये हमारा लस्सी, मलाईदार लस्सी तैयार हो गया है। ये आप इंजॉय पार्टी फंक्शन में बना के एकदम इजी है, इस्तेमाल करें। और ये एक लाइक इस वीडियो के लिए तो एक लाइक ज़रूर बनता है हमारे लिए।